नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M31S। दोस्तों, अगर आप एम सीरीज का कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके फ़ोन में गुड लॉक सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैंने यहाँ पे गुड लॉक को डाउनलोड किया है और यहाँ पे कुछ मॉडल्स है जो सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं। जैसे मैंने आपको थंबनेल में बता दिया है कि यहाँ पे केवल 5 जो मॉडल्स है वही सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लॉक फेस, नोटी स्टार, नाइस कैच, वन हैंड ऑपरेशन प्लस और साउंड असिस्टेंट। इसके अलावा कोई भी जो मॉडल से वो काम नहीं करता। हालांकि मैंने सारे जो मॉडल से उनको ADB परमिशन देके भी ट्राई किया है PC में, लेकिन ये सपोर्ट नहीं करते, वर्क नहीं करते। हालांकि ये ओपन होते हैं, आप सेटिंग्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन जो सेटिंग्स है वो अप्लाई नहीं होती। दोस्तों, आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है? अगर आप चाहते हो इन 5 मॉड्यूल्स को यूज़ करना तो आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक ऐप को डाउनलोड करना है, उसका नाम है स्प्लिट APK इंस्टॉलर। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है और फिर यहाँ पे नीचे आपको जाना है सेटिंग्स में, और फिर सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे एक परमिशन है उसे अलाउ करनी है, साइन APK। आपको इस परमिशन को इनेबल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो गुड लॉक है उसे डाउनलोड करना है, जो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और दोस्तों, गुड लॉक को डाउनलोड करने के बाद आपको जो गुड लॉक के सारे जो मॉड्यूल्स है उसे डाउनलोड करना है वन बाय वन, और इनके जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इन्हें वन बाय वन डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, फिर आपको उसी ऐप को ओपन करना है। यहाँ पे ओपन करिए, फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा इंस्टॉल APKs। आपको इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे गुड लॉक मिल जाएगा। आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, आपको सारे जो ऐप्स या मॉड्यूल्स होंगे उनके नाम यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड लॉक, तो आपको गुड लॉक को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है नीचे, और फिर जो इंस्टॉलेशन होगा वो चालू हो जाएगा। आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद फिर इसी तरह आपको जो बचे हुए सारे मॉड्यूल्स है उन्हें भी इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड फोल्डर में जाके। अगर आपको मान लो क्लॉक फेस करना है तो यहाँ पे लिखा होगा क्लॉक फेस, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉक फेस। आपको उसे सिलेक्ट करके फिर इंस्टॉलेशन होगा। आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है यहाँ पे, और फिर इंस्टॉलेशन होने के बाद ओके पर क्लिक करना है। तो आपको सभी मॉड्यूल्स में ऐसा करना है, वन बाय वन एक एक करके सभी मॉड्यूल्स को इस तरह से इंस्टॉल करना है इस ऐप के जरिए। तो दोस्तों, मान लो आपने सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो डाउनलोड कर लिया, अभी गुड लॉक भी डाउनलोड कर लिया है, तो फिर आपको इसके बाद गुड लॉक को ओपन करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लॉक फेस डाउनलोड किया है, तो मैंने यहाँ पे तो सारे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे क्लॉक फेस दिखाना चाहता हूँ आपको। क्लॉक फेस पे जब आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन और AOD के लिए क्लॉक का ऑप्शन मिलता है आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि जो क्लॉक आपको फ़ोन में नहीं मिलते पहले से आपको इसमें मिल जाते हैं। जैसे AOD में आप क्लिक करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक्स्ट्रा क्लॉक का। आप लास्ट में अगर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको बहुत सारी जो क्लॉक्स है वो मिल जाएंगी AOD के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जो क्लॉक आपको रखनी है आप उस क्लॉक को वहाँ पे रख सकते हो इस तरीके से। दोस्तों, फिर आप यहाँ पे जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर चेंज का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जो लेटर्स होंगे उसका कलर यहाँ पे चेंज होगा। तो इस टाइप से आप जो है यहाँ पे क्लॉक फेस का यूज़ कर सकते हो। फिर नोटिस स्टार में आपको जो भी नोटिफिकेशन आती है, आपने जो मिस की हुई है सभी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपने जो भी क्लियर की है सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कितने दिन तक यहाँ पे रखनी है, तो 30 दिन तक जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी यहाँ पे। और दोस्तों, इसके बाद जब आप यहाँ पे जाते हो फैमिली टैब में, तो आपको नाइस कैच का ऑप्शन मिलता है। नाइस कैच की मदद से आप जो है आपका फ़ोन कितनी बार वाइब्रेट हुआ है, कब हुआ है और कौन से ऐप की वजह से हुआ है, ये भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। रिंगर कब हुई थी वो, कमर्शियल कब आए थे ये, एड कब आए थे वो, स्क्रीन कब वेकअप हुई थी, फिंगरप्रिंट से हुई थी कि फेस से हुई थी या डबल टैप से हुई थी, कितने बजे हुई थी वो, ये आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। आपने सेटिंग्स कब चेंज की थी आपको यहाँ पे नाइस कैच में मिल जाता है, ताकि आपको पता चले कि वाइब्रेट कौन से ऐप के कारण हो रहा है, कब अनलॉक किया गया था फ़ोन को। दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे वन हैंड ऑपरेशन प्लस का ऑप्शन मिलता है, आप इसे यहाँ से इनेबल कर सकते हो। और फिर जो यहाँ पे पट्टी होती है आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर होता है हैंडल का, आपको रेड या कोई भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। और जो विड्थ है, साइज है, पोजिशन है, डिस्टेंस है, वो भी चेंज कर सकते हो। वाइब्रेशन भी होता है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो।
ये यूज़ कैसे करना है। जैसे आप मान लो अगर लेफ्ट हैंडल है, ये लेफ्ट हैंडल, ये राइट हैंडल, तो लेफ्ट हैंडल में मैंने ये जो की रखी हुई है लेफ्ट हैंडल में, डाउन के लिए मैंने बैक की रखी। डाउन के लिए मान लो मुझे होम रखना है तो होम, और फिर राइट हैंड में मैं यहाँ पे करूँगा स्ट्रेट के लिए मान लो श्री नॉक करूँगा, डायगोनल के लिए करूँगा टॉर्च, और फिर नीचे के लिए करूँगा मैं डाउन के लिए स्क्रीनशॉट। तो आप अभी देख सकते हो स्क्रीनशॉट इस तरह से लिया जाएगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा, फिर इस तरह से लॉक हो जाएगा फ़ोन, फिर टॉर्च चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 100 का यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों साउंड असिस्टेंट में कोई भी जो ऑप्शन है सपोर्ट नहीं करता सिवाय एक मल्टी साउंड के। तो आप मल्टी साउंड को यहाँ पे ऑल एप्स पे इनेबल करके यहाँ पे मल्टी साउंड का यूज़ कर सकते हो। मल्टी साउंड का मतलब है कि आप जितने चाहो उतने ऐप्स को आप यूज़ कर सकते हो और उनकी जो साउंड होती है एक साथ आप सुन सकते हो। जैसे मान लो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं 3 ऐप से एक ही समय में साउंड प्ले कर सकता हूँ। तो ये आप भी कर सकते हो, आपको मल्टी साउंड का यूज़ करना है गुडलॉक में जाके। तो दोस्तों इस तरीके से गुडलॉक में जो ये फीचर्स है जो मैंने आपको बताया, ये 5 मॉड्यूल्स काम करते हैं, बाकी कोई भी मॉड्यूल्स काम नहीं करते। जैसे अगर आप बात करेंगे लॉक स्टार की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लॉक स्टार यहाँ पे क्रैश हो जाता है, वैसे ही फिर क्विक स्टार, यहाँ पे क्विक स्टार ओपन हो जाता है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो परमिशन है अलाउ की है, ADB परमिशन दी है PC की मदद से, तो यहाँ पे ये ओपन होता है। लेकिन इसमें कोई भी जो फीचर है ये अप्लाई नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी फीचर अप्लाई नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन पैनल जैसे का वैसा है, कोई सेम नहीं हुआ है। उसी तरह से फिर नेविगेशन स्टार आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती है, आप इसे चेंज कर सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शन तो मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे जो है इसका मज़ा नहीं ले सकते। होम अप में भी आप जा सकते हो, चेंज कर सकते हो सेटिंग्स को, लेकिन जो सेटिंग्स चेंज होनी है वो यहाँ पे सेटिंग्स चेंज नहीं होती। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे केवल अभी 5 ही मॉड्यूल सपोर्ट करते हैं, तो अगर कोई ज़्यादा मॉड्यूल सपोर्ट करते हैं फ्यूचर में तो मैं उसे भी कवर करूँगा मेरे नए वीडियो में। तो अगर आपको इस तरीके से इन 5 मॉड्यूल का यूज़ करना है गुडलॉक में, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, उस तरीके से आप प्रोसीजर करिए और इसके बाद आप अपने फ़ोन में जो है गुडलॉक यूज़ कर सकते हो इन 5 मॉड्यूल्स के साथ। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।